नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उन व्यापारियों के लिए, उन अकाउंटेंट के लिए है जो ऐसे डिपार्ट फील्ड में काम करते हैं जिस फील्ड में प्रोडक्ट एक समय के बाद खराब होने की संभावना होती है, यानी मेडिकल लाइन में हो या ऐसे फूड प्रोडक्ट जैसे किराने की दुकान में कुछ ऐसे सामान होते हैं दो दो साल बाद, साल बाद, 3 साल, साल 4 साल बाद क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, क्या हॉर्लिक्स हो या मेडिसिन से रिलेटेड कोई दवा हो। तो आप स्टूडेंट कैसे उन व्यापारियों का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट एक समय के बाद एक्सपायरी हो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन करेंगे, बैच नंबर के साथ, मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ, एक्सपायरी डेट के साथ कैसे मेंटेन करेंगे। तो आज इसी पे ये वीडियो बना हुआ है कि टैली में आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर का इस्तेमाल ऐसे प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करना जो प्रोडक्ट एक समय के बाद आपके लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड टैली में कैसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सेट एक्सपायरी डेटेड बैचेस का यूज टैली में करने का सही तरीका क्या होता है। What is the batch wise details set expiry date for batches? The batch wise details are given for maintaining batch information pertaining to stock items. The manufacturing date and expire date can be also be set for batch wise details. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में देखें। स्टॉक आइटम से संबंधित बैच की जानकारी को बनाए रखने के लिए बैच विवरण दिया गया है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग तिथि और समाप्ति तिथि भी बैच वाइज विवरण के लिए निर्धारित की जा सकती है। तो स्टूडेंट चलिए इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको F11 फैक्शन की भी जाना है, यानी हम चलते हैं आपको टैली में, और टैली में हम एक कंपनी भी आपके सामने बनाते चलते हैं, काम करते चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे सीज करना आज बैच के इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी बैच वाइज कैसे आपको स्टॉक मेंटेन करना है बैच वाइज। ये आपके लिए कंपनी मैंने बना दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने एंटर करके कंपनी का नाम बना के इसको सेव कर दिया। ये देखिए ये आपका कंपनी तैयार हो गया। कंपनी तैयार करने के बाद आप स्केप की दबाएंगे तो सीधे आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाकर स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको करना है सीधे आपको जाना है क्या, F11 फंक्शन की, यानी आप F11 फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टैली में, यानी गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो फीचर्स। आपको क्या चूज करना है, इन्वेंट्री फीचर्स चूज करना है स्टूडेंट। क्या चूज करना है, इन्वेंट्री फीचर्स चूज करना है। तो हम स्टूडेंट इन्वेंट्री फीचर्स में लिखे क्या लिखा है, F2 में इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर करेंगे तो आपको चूज करना है, यहाँ पे देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन जो अगला ऑप्शन मैंने बताया था, एंड वापस आप ये अपने एप्लीकेशन में देख लेंगे। यानी स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में हमें आज जाना है मेंटेन बैच बाय डिटेल्स सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। तो इसको यस करना है स्टूडेंट, तो वापस हम टैली में जाते हैं और यहाँ पे जाकर हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। ये देखिए बैच नंबर है, दूसरा ऑप्शन दिखा हुआ है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस के नीचे ऑप्शन, आप यस कर लीजिएगा और इसको सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट, इसके बाद वापस आप स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आएगा। गेटवे ऑफ टैली में जाकर हम फिर क्वेश्चन पे जाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन पे हमें ये देखना है कि किसका क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने डाला गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना मेडिकल्स, यानी खन्ना मेडिकल फ्रॉम फॉलोविंग आइटम, यानी इनसे कुछ माल मैं खरीद रहा हूँ। यहाँ पे बैच वाइज डिटेल्स सेट एक्सपायरी डेट्स का कैसे मेंटेन करना है। यहाँ पे सिप्ला क्रोसिन टैबलेट है, ये बैच नंबर है, यानी 1001 इसका बैच नंबर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका 1/4/2020 है और एक्सपायरी डेट है 31/3/2025 में एक्सपायर हो रहा है। क्वांटिटी आपको परचेज करना है 100 पत्ता और एक पत्ते का दाम है ₹120 है। और स्टूडेंट एक पत्ते के अंतर्गत आपको एक पत्ता में 10 पीस है, तो ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा आइटम है डीकोल्ड सीरप है और 1002 इसका बैच नंबर है। मैनुफैक्चरिंग डेट 1/4/2020 है, एक्सपायरी डेट 31/3/2025 है, क्वान्टिटी आपका 100 बोतल लेना है और एक बोतल का दाम है ₹150 और एक बोतल में जो दवा का ML है वो आपका 100 मिलीलीटर है आपका।
जो 100 मीटर आपको परचेज करना है, ये सारा माल आपको करना है खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से परचेज करना है, खन्ना मेडिकल से, और ये सबको बेचना है टू, यानी सारा माल आपको प्रभात मेडिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना है। तो ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन को कैसे फॉलो करना है टैली में, आप टैली पेज पर आ गए। सबसे पहले हमें किससे खरीदना है, किसको बेचना है, उनका एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे, हमें खरीदना किससे, खन्ना मेडिकल से खरीदना है और बेचना किसको, प्रभात मेडिकल को स्टूडेंट। सबसे पहले हम खन्ना मेडिकल का एक लेजर बना लेते हैं, खन्ना मेडिकल, ये देखिए ये हमारा माल खरीद रहे हैं, सिंडिकेटर्स में जाएगा स्टूडेंट, और सेव करा लीजिएगा, बिल बैस का भी आवश्यकता आपको नहीं है, सेव कर लीजिए। और दूसरा मुझे बेचना है प्रभात मेडिकल को, यहाँ पे आप प्रभात मेडिकल का लेजर बना लेंगे, प्रभात मेडिकल, ये स्टूडेंट प्रभात मेडिकल, इनको भी आप ये माल बेच रहे हैं, डेप्टर्स भी जाएगा, इसको बना के आप सेव कर लीजिए। तीसरा मुझे करना क्या है, परचेज करना है, यहाँ पे परचेज का एक लेजर बना लेंगे स्टूडेंट, परचेज का लेजर, परचेज का लेजर सीधे परचेज में जाता है जैसे आपको पहले बताया गया था, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा, सेव करा लीजिएगा। उसी तरह स्टूडेंट आपको सेल का लेजर बनाना है, सेल का लेजर मैंने बना लिया स्टूडेंट, एंड इसको भी बना के आपने इन्वेंट्री यस करके सेव करा लीजिएगा। तो ये जिससे मुझे खरीदना है और किसको बेचना है, ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रभात से खरीदना, खन्ना से खरीदना है और प्रभात को बेचना है, परचेज और सेल करना है, तो ये चार लेजर मैंने यहाँ बना लिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट अल्ट्रा में जाकर, ये चार लेजर आपको ये दिखाई दे रहा है, प्रभात है, खन्ना है, एंड परचेज एंड सेल्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट वापस आप आ जाइएगा, स्किप करते हुए बाहर आइएगा स्टूडेंट, और आप जाइएगा इन्वेंट्री वाउचर्स में, इन्वेंट्री वाउचर में एंटर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप जैसे मैंने पहले बताया था, स्टॉक ग्रुप का इस्तेमाल करना, किस कंपनी का माल है स्टॉक ग्रुप में हम दिखाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे सारा माल सिप्ला कंपनी का है, यहाँ सिप्ला को हम लिख चलेंगे, तो यहाँ पे ग्रुप में सिप्ला का नाम डाल लेंगे, सिप्ला, सिप्ला कंपनी, ये कंपनी बनाकर प्राइमरी एंड क्वांटिटी को यस कर लीजिएगा, ओके। स्केप से बाहर आइएगा स्टूडेंट, और जैसे मैंने बताया था आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने पर आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट आपको तैयार करना है, देखिए जो मेजरमेंट है वो पत्ता भी है और पीसेस भी है और बॉटल्स भी है और एमएल भी है, तो चार मेजरमेंट आपको बनाना है स्टूडेंट। तो वापस पहले हम पीसेस का बना लेते हैं, और पत्ता के लिए पीटी का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, एंड बॉटल के लिए बॉटल का इस्तेमाल करते हैं पीटी डबल टी, और एमएल के लिए एमएल का क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ओके सेव करा दीजिए रेस्टोरेंट। यहाँ पे एमएल कैपिटल लगेगा तो अच्छा लगेगा, ओके चार मेजरमेंट बना लिएगा, वापस आप बाहर आएगा, फिर आपको स्टॉक आइटम पे जाना होगा रेस्टोरेंट बनाने के लिए पूरा प्रोफार्मा। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम हमारा क्या है, वहाँ देख लीजिए, सिप्ला क्रोसिन टैबलेट बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पे हमको सिप्ला लिखना होगा, सिप्ला क्रोसिन टैबलेट, ओके स्टूडेंट। किस कंपनी का माल है, ये आपका है सिप्ला का है। हमें कैसे स्टूडेंट लेना है, इसको पत्ते में लेना है, किस में लेना है, पत्ता, यहाँ पत्ता सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसके नीचे मुझे एक चीज़ और वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे एक पत्ता में 10 पीस है, हमें इसका 10 पीस का रिकॉर्ड भी लेके चलना है। तो इसके लिए टैली में कुछ ऑप्शंस आपको यस करना होगा, यहाँ पे यानी स्टॉक आइटम पे जाकर F12 प्रेस करिएगा, F12। तो स्टूडेंट F12 प्रेस करने के बाद आपको सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे से तीसरा नंबर यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन आपको यस करना है, यहाँ से नीचे से तीसरा यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम्स को यस कर लीजिएगा। तो अल्टरनेट यूनिट होगा वो डालना होगा आपको, अल्टरनेट यूनिट का मतलब पीस, एंटर करेगा, फिर यहाँ पूछेगा स्टूडेंट वेयर, यानी वेयर का मतलब कितना पीस आपका है, तो मुझे दिखाना है 10 पीस का एक पत्ता बन रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे 10 पीस का एक पत्ता है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 पीस है, 10 पीस है, 10 पीस का एक पत्ता यहाँ वेरीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, बैच नंबर है, इन बैच नंबर देखिए, जैसे यहाँ पे बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट है, ये सबको वहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बैच नंबर को यस कर लीजिएगा, उसके नीचे आपका ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग को यस करना होगा, एक्सपायरी डेट को यस करना होगा और डेटा को सेव करा लेना होगा। जस्ट उसी तरह आपका सिप्ला, सिप्ला डिकोल्ड सीरम ये डाल दिया स्टूडेंट, एंटर, एंड क्रोस सिप्ला कंपनी का स्टूडेंट।
अब इसको हमें कैसे लेना है, बॉटल में डीबीटी में डाल देंगे, सबसे पहले बॉटल डाल देंगे ऊपर, उस बॉटल में कितनी एमएल दवा है, तो यहाँ पे नीचे हम अल्टरनेट यूनिट में एमएल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम देखना होगा स्टूडेंट कितना एमएल मैंने दिखाया वहाँ पे, तो क्वेश्चन में लिखे गया 100 ml का दिया हुआ है, एक बॉटल में कितना दवा है 100 ml, तो यहाँ पर मैंने एंड 100 ml इंटू वन बॉटल का ये रिकॉर्ड बनाया है, बैच नंबर यस फाइल यहाँ पर यस करें। ये तीन चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद वापस आप स्केप से बाहर आइएगा और अकाउंटिंग बाउचर में आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमें परचेज करना है, परचेज के लिए वो F9 बिल, ठीक, बिल एंटर, किससे परचेज करना है, खन्ना मेडिकल से, एंटर करते जाएगा एंड स्पेस दबाएगा, तो ये दो आइटम आपके सामने दिख रहा है। पहले हमें क्रोसिन टेबलेट लेना है एंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे लिखा लिखा लिस्ट ऑफ एक्टिवेट बैच नंबर, तो यहाँ पे बैच नंबर मैंने क्या दिया, देखिए लिखा है ना बैच नंबर 1001 बैच नंबर है, तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं बैच नंबर, आप शॉर्ट लिख दीजिए या पूरा लिख दीजिए, बैच नंबर मैंने लिख दिया एंड एंड 1001 ये बैच नंबर डाल दिया इसमें एंटर। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी आपका दिया है, हमें लेना है 100 पत्ता लेना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 100 पत्ता का रेट डाल दिया, और जैसे 100 पत्ता का रेट डालेंगे उसके नीचे दिखाई देगा 1000 पीसेस, यानी ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा कितना पीस आपके पास है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पे हमें रेट डाल देना है, यहाँ पे रेट डाल दीजिएगा 120 रुपया, इंटर 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 कैसे करेंगे, तो ऊपर ऊपर देखेंगे ब्लॉक में आपको लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, देखिए स्टूडेंट बैच नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बैच नंबर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, उसके डिश नीचे लिखा हुआ है आपका अप्लाई डेट, यानी अगर आपका ओरिजिनल सिस्टम पे काम करेंगे तो आप अपने हिसाब से डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फिलहाल जो मैंने कंपनी बनाया है जब का डेट दिया वही डेट यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बाद इंटर करिएगा स्टूडेंट। एक्सपायरी डेट देखिए स्टूडेंट आपके सामने एक्सपायरी डेट मैंने डाला हुआ है 31/3/2025, तो यहाँ पे आप 31/3/2025 ये डाल दीजिएगा स्टूडेंट, ये इंटर करिएगा, इंटर एंड इंटर, परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट परचेज, एंड दूसरा आइटम ले लेते हैं स्टूडेंट सेम सिरप, इंटर, इसका बैच नंबर, ये बैच नंबर, बैच नंबर स्टूडेंट देख लीजिए वहाँ पे क्या बैच नंबर दिया हुआ है इसका, इसका बैच नंबर यहाँ पे लिखा है 1002 है, तो यहाँ पे 1002 ये डाल दिया स्टूडेंट, इंटर, क्वांटिटी आपका सेम, ये भी आपका 100 बोटल्स है, ठीक है। रेट स्टूडेंट कितना है देख लीजिए यहाँ पे 150 रुपये मैंने रेट डाला हुआ, रेट देख लीजिए 150 रुपये, 150 इंटर, सेम यहाँ पे है एक्सपायरी डेट आपका स्टूडेंट, सेम एक्सपायरी डेट उसका भी है, देखिए लिखा हुआ ना एक्सपायरी डेट 31/3/2025, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 31/3/2025, ये 25 मैंने डाल दिया स्टूडेंट और सेव करा लिया, ये आपने परचेज कर लिया, ओके स्टूडेंट सेव करा लिया। सेव कराने के बाद अब मुझे बेचना है फिर मैं बेच देता हूँ, तो सेम प्रोसेस अगर आप देखना चाहें कि भाई बेचने के प्रोसेस वही आपका है, इंटर और इंटर करेगा स्टूडेंट, स्पेस दबाइएगा, तो यहाँ पे आपको जैसे बेचना मेरी मान ली 50 पीस बेच दिए, ये बैच नंबर देखिए आ जाएगा स्टूडेंट ऑटोमेटिक जिस बैच नंबर से आपने बनाया हुआ है, इंटर करेंगे मैंने बैच नंबर यहाँ डाल दिया, यानी मान लीजिए 50 पीस दे दिया और मैंने रेट मान लीजिए सिप्ला का है 120 रुपया, मैंने मान लीजिए इसको आपका 180 रुपया मैंने पत्ता इसको भेज दिया, अपनी प्रॉफिट अपने अकाउंट में दिया स्टूडेंट, इंटर, फिर दूसरा सेल इसमें दूसरा आइटम डी कोल्ड सिरप मैंने भेज दिया, मान लीजिए सेम बैच नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर, और 100 मान लीजिए इसको मैंने दे दिया एंड 210 रुपये इसको मैंने 50 पीस यहाँ डालिएगा क्वान्टिटी, और मैंने इसको 210 रुपये पत्ता के हिसाब से मैंने भेज दिया है बॉटल के हिसाब से, सॉरी, इंटर एंड सेव कर दिया। तो स्टूडेंट ये आप अगर आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो भाई बैच नंबर रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा कि किस बैच नंबर के अकॉर्डिंग आपने माल बेचा हुआ है, किस रेट से मिला हुआ है, ये रिपोर्ट सारे यहाँ पे देखें किस मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट, तो ऐसे आप प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी होने वाले हैं या मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं टैली पे तो वो भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ये था आपका सेट एक्सपायरी बैच नंबर डालने का तरीका और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने का सही तरीका टैली में। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर का इस्तेमाल टैली में कैसे मेंटेन करना चाहिए, किस किस फीचर का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल टैली पे कर सकते हैं आप। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए, जो अकाउंट्स लाइन में काम करना चाहता है या जो अभी अपना खुद का व्यापारी है, अपना अकाउंट खुद मेंटेन करना, अपने बिजनेस का खुद रिकॉर्ड रखना चाहता है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। और आपको अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, आज के लिए नमस्कार।